ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में चार लोगों की मौत से सनसनी। आपको बता दें कि एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या, खून से लथपथ चारों के शव मिले हैं। परिवार के एक लड़के पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग एडिक्शन सेंटर से बाहर आया था ये युवक। मम्मी पापा बहन और दादी को इसने गोली मार दी। दिल्ली के पालम इलाके की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। तो देखिए, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब पूछताछ जारी है। एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या हो गई है। दिल्ली में चार लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक ही परिवार के चारों लोग बताए जा रहे हैं। तो परिवार के ही एक लड़के पर हत्या का आरोप यहां पर देखने को मिल रहा है। एक ही परिवार के चार लोगों की उसने हत्या कर दी। तो खून से लथपथ शव मिले हैं। दिल्ली से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। परिवार के एक लड़के पर हत्या का आरोप अभी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग एडिक्शन सेंटर से युवक बाहर आया था और उसने अपने ही परिवार के लोगों की हत्या कर दी। मम्मी पापा बहन और दादी को उसने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अभी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के पालम इलाके की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। तो ड्रग एडिक्शन सेंटर से ये युवक बाहर आया था और अपने ही परिवार के चार लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। दिल्ली से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। परिवार के एक लड़के पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग एडिक्शन सेंटर से ये युवक बाहर आया था और उसने अपने ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी। मम्मी पापा बहन और दादी को गोली मार दी। दिल्ली के पालम इलाके की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। पुलिस अभी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। तो एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। दिल्ली से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। परिवार के एक लड़के पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग एडिक्शन सेंटर से ये युवक बाहर आया था और अपने ही परिवार के लोगों को इसने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली बख्शी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लवली, अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, चार लोगों की मौत के मामला ये सामने आया। एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई है। आरोपी को पूछताछ के लिए अभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। क्या अपडेट? देखिए, पालम इलाके के अंदर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। मेरे पीछे देख सकते हैं, सफेद वाला मकान जहाँ पे दिल्ली पुलिस की महिला पुलिस खड़ी हुई है, इसी मकान के सेकंड फ्लोर के ऊपर ही एक परिवार रहता था। जिस परिवार के अंदर केशव नाम का एक लड़का रहता था जो ड्रग एडिक्ट था और 4 से 5 महीने पहले ही वो ड्रग सेंटर से वहां से भाग कर अपने घर पर रह रहा था। लेकिन ड्रग की लत उसकी छुट्टी रही थी। बीती रात उसने अपने माँ बाप और दादी और बहन को चाकू से खून कर बेरहमी से हत्या कर दी। जिस समय उसने हत्या करी, हत्या करने के बाद वो गेट से बाहर किसी जाली वाले दरवाजे से निकल के कूद के स्कूटी लेके भागने की जैसे चेष्टा करने लग पड़ा। उसके सेकंड फ्लोर के नीचे फर्स्ट फ्लोर में उसके ही कजन रहते हैं जिन्होंने उसको भागते हुए पकड़ लिया और उसी वक्त रात के समय ही दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है कि एक ड्रग एडिक्ट लड़के ने अपनी बहन, अपनी दादी, अपनी माँ, अपने पिता को बड़ी ही बेरहमी से चाकू से दुख कहता। देख सकते हैं मेरे पीछे यही वाला मकान है, इसी मकान के सेकंड फ्लोर है जिसके ऊपर ये परिवार रहता है और काफी समय से परिवार रहता है। लेकिन ये लड़का ड्रग की वजह से थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी था और ड्रग एडिक्ट था और कुछ महीने पहले ड्रग सेंटर से भागकर अपने घर ही रहता था और काम को लेकर और नौकरी को लेकर भी परेशान था। जी लवली, देखिए, ड्रग एडिक्शन सेंटर से युवक बाहर आया था और उसके बाद से उसने अपने ही परिवार की हत्या कर दी, चार लोगों की। जो आसपास के लोग, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्या वो लोग कह रहे हैं युवक के बारे में? क्या वो ड्रग एडिक्टेड था? हाँ जी, कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप तो एक परिवार कब से जानते हैं?
ये दो भाई थे, मेरा फादर पहले एक्सपायर हो गया, डॉक्टर था वो। अच्छा, एनिमल का। हाँ, तो ये लड़का शुरू से ड्रग एडिक्ट था? ये अभी 2-3 साल से ड्रग का नशे का सेवन कर रहा था। ड्रग का सेवन कर रहा था। तो ये घटना कितने बजे की कल रात की? ये 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे की। तो पहले भी इस परिवार में लड़ाई झगड़ा होता था? पहले ऐसी कोई लड़ाई नहीं। इस लड़के की पहले कोई आसपास में पड़ोस में किसी तरीके से कोई शिकायत? ये है कि नशेड़ी था, यही है। और कुछ झगड़े की वजह पता लग गया आपको? क्या झगड़े की वजह? कुछ पैसे मांगे बता रहे हैं। अच्छा, नशे के लिए। हाँ। पैसे नहीं दिए तो बाहर से लगा, वापस आया तो आगे लगा। शुक्रिया। तो आज पड़ोस से उसने बात करने की कोशिश करी, उनका कहना है की अक्सर पैसे को लेकर घर में परिवार से लड़ाई झगड़ा करता था, और कल रात भी इस तरीके की घटना हुई है की इसने परिवार से पैसे मांगे हैं लेकिन पैसे ना देने की वजह से इसने जी देखिए लवली, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, अभी से उससे पूछताछ भी की जा रही होगी, कुछ निकलकर सामने आया है, आरोपी ने कुछ बताया भी? समय पुलिस की तरफ से तो कोई अधिकारी बयान आया नहीं है, लेकिन आरोपी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, सारे सवाल को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है और आरोपी से पूछताछ कर रही है, आरोपी को हॉस्पिटल भी लेके जाएगी पुलिस, क्योंकि आरोपी मेंटली थोड़ा सा ड्रग एडिक्ट होने की वजह से थोड़ा सा दूसरे स्वभाव का हो रखा है, इसी के चलते उसने रात को जिस तरीके से अक्सर पहले भी पैसे मांगते और वो झगड़ा किया करता था, तो सेम झगड़ा उसने रात को ही पैसे मांगने को लेकर किया, जब उसके घर वालों ने, परिवार ने, माता पिता ने पैसे नहीं दिए तो उसने ड्रग के हाथ के अंदर अपनी ड्रग की तलब पूरी करने के लिए उसने परिवार को बड़े घिनौने तरीके से चाकू से खोद खोद के मार दिया। चाकू से खोद खोद के मारने के बाद इसी गेट से नीचे उतर के कूद के जैसे वो भागने की कोशिश कर रहा था, फर्स्ट फ्लोर में रहने वाले उसके कजन ने उसको जैसे वो स्कूटी बाहर निकाल रहा था भागने, उसको पकड़ के दिल्ली पुलिस के हवाले करवा दिया। जी चलिए लवली, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते